Good morning, friends. My name is Dr. Shobhit Gupta, and I am a consultant plastic surgeon. And in this video, I will be explaining you about a very interesting case. कि जो हमारे पास एक पेशेंट आई थी, जैसे कि आपके सामने एक फोटोग्राफ है, अब आपको इसमें देख के लग रहा होगा कि कितना ज्यादा आईलिड है इनकी, कितनी ज्यादा आई मतलब स्किन है, अपर है, लोअर है. पर जो इनकी मेन प्रॉब्लम थी वो था जो इनकी लेटरल साइड की अपर आईज है, जो कोने वाली ऊपर वाली साइड की के साइड है, उसमें जो है इनका एक्स्ट्रा स्किन है और ऊपर एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं मतलब लैक्रिमल ग्लैंड प्रोलैप्स. तो ऊपर एक ग्लैंड होता है जो थोड़ा धीरे धीरे उम्र के साथ धीरे धीरे नीचे आ जाता है. तो जब वो नीचे आ जाता है तो वो इस तरीके का बहुत ज्यादा फुलनेस मतलब दिखाता है जो आपकी आंख के कोने में होती है. तो अगर आपकी आंख के कोने में इस तरीके की फुलनेस है तो आपको ब्लेफेरोप्लास्टी के साथ साथ लैक्रिमल ग्लैंड का भी प्रोसेस भी ठीक कराना पड़ेगा. सिर्फ जो है एक्स्ट्रा स्किन हटाने से ये काम नहीं होता है. तो जो एक्स्ट्रा स्किन हटती है, एक्स्ट्रा फैट हटता है, उसके साथ जो आपका ग्लैंड है, कोने वाला ग्लैंड जो आंख के ऊपर और बाहर के साइड होता है, वो उम्र के साथ धीरे धीरे नीचे आ जाता है. नीचे आने की वजह से ये आपके जो है बहुत मोटा मोटा दिखाई देने लगता है. तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे लैक्रिमल ग्लैंड हटाते हैं और कैसे मतलब उसको हटाया नहीं जाता है, बेसिकली उसको ऊपर हिच कर दिया जाता है जिससे वो नीचे जो वो नीचे ढलका हुआ है वो बिल्कुल ठीक हो जाए. और ये छोटे से प्रोसीजर के बाद आपकी आंखें काफी ज्यादा सिमेट्रिकल दिखने लगती है. तो इस पेशेंट का जो हम लोगों ने किया, हम लोगों ने 4 लिड ब्लेफेरोप्लास्टी करी जिसमें अपर लिड भी किया और लोअर लिड भी किया. तो जो अपर लिड था उसमें हमने लैक्रिमल ग्लैंड प्रोसेस को ही एम्फेसाइज किया. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप मतलब ड्यू टू लाइक यूट्यूब कंस्ट्रेंट हम लोगों ने इसको मतलब ब्लैक एंड व्हाइट करा है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा ग्लैंड है. तो वो मतलब ग्लैंड जो है वो आपका हम लोग स्टिच लगा के हम इसको ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं. जो मैंने फर्स्ट स्टिच लिया था वो मैंने लैक्रिमल ग्लैंड के ऊपर लिया था और एक दूसरे मतलब हमारे असिस्टेंट ने उसको स्किन को ऊपर रिट्रैक्ट करा है और मैं अंदर जो हड्डी का पेरियोस्टियम होता है, जो बिल्कुल अंदर वाला पेरियोस्टियम होता है, उससे हम जो है लैक्रिमल ग्लैंड को बेसिकली हिच कर रहे हैं. जैसे आपने देखा मैंने अब स्टिच ले लिया और जब मैं ये स्टिच जैसे ही इसको नॉट को मैं जैसे ही टाई करूंगा वैसे ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है जो आपका नीचे आ गया है वो ऊपर की तरफ हिच हो जाता है. और जैसे ही ऊपर हिच होता है तो जो वो एक्स्ट्रा स्किन नीचे की तरफ जब बल्ज कर रहा है तो वो सारे एक्स्ट्रा स्किन हट जाती है और वो ऑटोमेटिकली आपकी शेप में आ जाती है. पर इसके साथ साथ जो आपका और फैट है जो नीचे प्रोट्रूड कर रहा है या जो और कोई आपकी एक्स्ट्रा स्किन है, एक्स्ट्रा मसल है, तो वो तो हटानी पड़ती है जिसको कन्वेंशनल ब्लेफेरोप्लास्टी बोलते हैं. तो जो अगर आपकी ऐसी आंखें जैसे मैंने आपको फोटोग्राफ में दिखाई थी तो आपको अपर लिड ब्लेफेरोप्लास्टी प्लस लैक्रिमल ग्लैंड प्रोसेस आपको दोनों कराना पड़ेगा. तो आप देख रहे हैं मैं स्टिल आई एम ट्राइंग टू लाइक यूज दिस लाइक लैक्रिमल ग्लैंड के ऊपर स्टिच लेने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका प्रॉपर तरीके से वो मतलब आ जाए. तो मतलब हम लोगों ने अब मतलब कर दिया, स्टिच हो गया है. अब हम सेकेंड साइड कर रहे हैं. उस साइड की ऑलरेडी ब्लेफेरोप्लास्टी भी कम्प्लीट हो गई है. अब इस साइड का भी हमने लैक्रिमल ग्लैंड प्रोसेस ही दिखा रहे हैं. हम इसमें जो है हमने सबसे पहले ब्लेफेरोप्लास्टी करी. ब्लेफेरोप्लास्टी करने के बाद जो है आपका एक्स्ट्रा स्किन मतलब हट गई और आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी हट गया. और जो आप देख सकते हैं अगर इसमें थोड़े वीडियो में और क्लियर है, जो एक थोड़ा ब्लैकिश पोर्शन दिख रहा है वो लैक्रिमल ग्लैंड है. तो जो फर्स्ट स्टेज में लूंगा वो हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड के थ्रू ही लेंगे. आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक फोर्सेप्स है. फोर्सेस में लैक्रिमल ग्लैंड होता है और उस पे मैंने अब स्टिच ले लिया. और जो ये स्टिच है वो बेसिकली नॉन एब्जॉर्बेबल स्टिच होता है जिससे वो अपने आप एब्जॉर्ब ना हो और वो नीचे दिख जाए. और अब देख सकते हैं कि नीचे हमने एक और स्टिच ले लिया है. तो अब जब हमने ऊपर वाला स्टिच हमने फिर एक और रिपीट लिया जिससे अच्छे से अंदर चला जाए और फिर हम इसका स्टिच को मतलब फर्म तरीके से सूचन कर देते हैं. जब सूचन करते हैं तो वो लैक्रिमल ग्लैंड है वो अंदर पॉप आउट कर जाता है, मतलब पॉप इन कर जाता है. ये प्रोसीजर करने के बाद हम नॉर्मल ब्लेफेरोप्लास्टी करते हैं. नॉर्मल ब्लेफेरोप्लास्टी में आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी हट गया, जो एक्स्ट्रा मसल है वो भी हट गई, एक्स्ट्रा स्किन है वो भी हट गई जिससे आपकी प्रॉपर स्किन आईलेट क्रीज है. और इस प्रोसीजर में कोई निशान भी नहीं आता, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है. और जो थोड़ा सा स्वेलिंग डेफिनेटली रहेगी जब ये पूरा प्रोसीजर होता है तो एटलीस्ट 3-4 डेज के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा स्वेलिंग रहती है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि धीरे धीरे आपका मतलब ऑलमोस्ट लाइक मतलब 15-20 डेज में सारी स्वेलिंग खत्म हो जाती है और प्रॉपर शेप आ जाती है. अभी हम स्टिल वही कर रहे हैं. एक और स्टिच ले, क्योंकि इसका थोड़ा लैक्रिमल ग्लैंड ज्यादा बड़ा था तो इसमें हमको एक और स्टिच लेना पड़ा. तो हम इसमें एक और स्टिच ले रहे हैं जिससे और अच्छे से अंदर चला जाए इनका लैक्रिमल ग्लैंड.
रिक्लाइमर ग्लैंड का मतलब होता है जो आंसू वाला ग्लैंड, तो जो आंसू वाला ग्लैंड है वो हटा नहीं सकते वरना मतलब आईलेट ड्राई हो जाती है, इसको सिर्फ हम अंदर पॉप आउट करते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे जो ये फोटो बिल्कुल मतलब इमीडिएट है, करीब मतलब अराउंड अ वीक और 10 डेज वाली फोटोग्राफ है, तो जो ये फोटो में आप मतलब कितना क्लियर कट डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि जो आपका जो राइट साइड और मतलब लेफ्ट साइड का जो आउटर वाला एरिया है उसमें आपके कितने अच्छे तरीके से वो अंदर चला गया है, वो बहुत ज्यादा प्रोट्रूड आउट कर रहा था और वो बिल्कुल अंदर चला गया है। अभी भी रिजल्ट ये फाइनल नहीं है क्योंकि बहुत ही अर्ली रिजल्ट है, तो अभी इस पर कमेंट करना मुश्किल है, पर लेकिन अभी हमने आपको एक थोड़ा सा मतलब फास्ट फोटोग्राफ बनाने के चक्कर में हमने आपको ये वाली फोटो शेयर करी है। हम मतलब कुछ दिन में हम कमेंट सेक्शन में हम एक और फोटो शेयर कर देंगे जिसमें जो इसका अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट होगा वो भी बता देंगे, जो अप्रोक्सीमेटली 20-25 डेज के बाद अपेरेंट हो जाता है। तो आप और आप देख सकते हैं कि इसमें हमने अपर लिड और लोअर लिड दोनों ही करे हैं, तो लोअर लिड के आई बैग्स भी खत्म हो गए हैं, अपर लिड का भी बहुत ज्यादा बेटर हो गया है, जो आपका लैक्रिमल ग्लैंड था जो आंसू वाला ग्लैंड था जो बहुत ज्यादा पॉप आउट कर रहा था वो भी खत्म हो गया, मतलब काफी अच्छा रिजल्ट है। तो अगर आपके ऐसी कुछ आंखें हैं या आपको इसी के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।